वेलकम गाइज, जे के लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे के लोन जॉब चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेस के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, एंट्रेंस एग्जाम के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हमारा रहेगा, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो जी के MCQGM के चैनल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वहाँ पर आपको रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनसे रिलेटेड वीडियो अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं आपके, तो तैयारी थोड़ी कंटिन्यू जारी रखनी पड़ेगी। वाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड का एकलक है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड किससे मिलकर बना हुआ आता है? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, न्यूक्लियोसाइड या फिर आपका न्यूक्लियोटाइड? 12th NCERT जिसने पढ़ी होगी वो तो इसका सही आंसर देगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइज, चूज कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हो कि ये हमारा पहला क्वेश्चन था तो इसका क्या ऑप्शन हमने चूज किया था, और फिर कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस करना कि कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि हमारा एमिनो अम्ल इसका एक लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको बस ऐसी तैयारी करनी है। ये देखिए, डेक्सामिथिलीन डायएमिन तथा एडिपिक अम्ल की संघनन अभिक्रिया से प्राप्त रेशा है। द फाइबर ऑब्टेन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द हेक्सामेथेन डाइम एंड एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड इसने बोला है। तो बताइए, डाइक्रोम, नायलॉन 6-6, रेयन या फिर टेफ्लॉन? इसका राइट ऑप्शन पहले तो आपको चूज कर लेना है, कर लिया। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि नायलॉन 6-6, ठीक है। गाइस सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स के भी करेंगे और बायो के भी करेंगे, बायो में जूलॉजी और बॉटनी दोनों, और केमिस्ट्री का कर ही रहे और केमिस्ट्री करते भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में, इनकी तैयारी होना चाहिए। और तो क्या, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। और सारी जहाँ तक आपका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद भी ये चैनल आपके साथ है, ताकि कॉलेज में भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एथेनोइक अम्ल कौन सा है? पहचानो, सिंपल, विच वन इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड, कौन सा है? फॉर्मूला पता होगा तो आपको ईजिली आ गया होगा। एथेनोइक अम्ल चूज कर लिया, सो सिंपल, एथेनोइक अम्ल है हमारा सेकेंड, CH3COOH, ठीक है, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है। गाइस केमिस्ट्री में तो फॉर्मूले तो देखो पता होने चाहिए सारे, फॉर्मूले के बिना अधूरी है आपकी केमिस्ट्री। जितने भी मटेरियल है, जैसे कि हमारा जितने भी कास्कर मटेरियल है ना, जल हो गया, भारी जल हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्केन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, जाने कितनी चीज़ें आपको क्या बताऊँ, कार्बोनेट हो गए, इन सबकी जो फॉर्मूले है सारे पता होना चाहिए, ताकि अगर डायरेक्ट कोई भी चीज़ दे दी जाए तो आप समझ जाओ कि ये वो चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड हमारा राइट ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है आपका, अम्ल तथा एल्कोहल के मध्य हुई अभिक्रिया को कहते हैं, अम्ल तथा एल्कोहल के बीच, यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एल्कोहल इज नॉन, इंग्लिश वालों की डिमांड थी तो मैंने दोनों लैंग्वेज में, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब तो बता दो इसका राइट ऑप्शन, एस्टरीकरण या फिर साबुनीकरण, एल्किनीकरण, एल्डर संघनन। वन ऑप्शन आपने चूज करना है, एस्ट्रीपिकेशन, सोपनीफिकेशन, एल्किसन और द एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, पहले तो आपने चूज कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, एस्टरीकरण। अम्ल तथा एल्कोहल के मध्य हुई अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर्म तो देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हज़ारों की संख्या में भरेंगे, फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं है ना तो आप बेकार में अपने फॉर्म के पैसे लगा रहे हो। तैयारी अच्छी है तभी फॉर्म भरना, मैं तो कहता हूँ, नहीं कोई मतलब नहीं है। आपसे बढ़कर एक से बढ़कर एक कंपटीटर वहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे लगाते हो फिर अगर तैयारी नहीं करनी है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करने का है तभी जाके आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो फॉर्म भरने का कोई मतलब आपका नहीं है, ठीक है ना। तो तैयारी अच्छी करो ताकि फॉर्म भरने का मजा आए। फॉर्म तो जैसे आएंगे ना मैं आपको बताता रहता हूँ, इंडिया के कितने भी जैसे नर्सिंग के हो गए, पैरामेडिकल के हो गए, फार्मेसी के हो गए, सबके तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और जहाँ के नहीं आए आप कमेंट करके बता दिया करो सर हमारे यहाँ कब आएंगे, तो उसके कमेंट में आपको बता देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, है ना। तो इसका चलते फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया, इसका राइट ऑप्शन एस्ट्रीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल एथिल कीटोन किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। मेथिल एथिल कीटोन इज प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट है ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, इससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके इलेवंथ और ट्वेल्थ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस एनसीईआरटी से। नेक्स्ट आपका आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कीन साइनाइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रम के साथ अभिक्रिया कराने के बाद जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद है। यानी कि एल्कीन साइनाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोलिसिस फाउंड इन एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एसिड। राइट ऑप्शन आपको बता देना है गाइस। सो सिंपल इसका कीटोन राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद है कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच एसिड यानी कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग और विच इज मोस्ट एसिड, यानी कि निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल है। विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट और विच इज मोस्ट एसिड, ये क्वेश्चन तो आता है आपसे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, इनका क्रम पता होना चाहिए, सार का क्रम आपको पता होना चाहिए गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने ये दिए हुए सारे अम्ल है, बट इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है वो आपको बता देना है, ठीक है। तो देख लो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, Cl2, CHCOH, Cl2, CHCOH, और नेक्स्ट हमारा Cl, CH3COH, CH3COH, CH3CCOH। केमिस्ट्री अच्छी होगी तो आपको आ जाएगा, डोंट वरी। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, सही हो गलत हो बट ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही आपको, नहीं आ रहा फिर भी करना है, क्या पता सही चला जाए। कर लिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग Cl3CCOH। स्ट्रक्चर पता होगी तो क्यों है वो भी आपको पता लग जाएगा, क्यों होता है कोई स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो H प्लस बहुत ज़्यादा तादाद में देता है। नेक्स्ट है आपका, ल्यूकस परीक्षण उपयोगी है, ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू बिटवीन वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री एल्कोहल, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री एमीन। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और एल्किन तथा एल्काइन, ल्यूकस परीक्षण उपयोगी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आई होप कर लिया होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री एल्कोहल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ल्यूकस परीक्षण उपयोगी इसमें है, यानी कि इसका परीक्षण किया जाता है इनसे, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री एल्कोहल का। नेक्स्ट है, कितने ईजी क्वेश्चन है गाइज, प्रैक्टिस करो सब ईजी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट है आपका,
एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त उत्पाद है। एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त उत्पाद है एसिटिक अम्ल, इथेन, एथिलीन या फिर एसीटोन, एसिटिलीन। क्या होगा अगर एथेनॉल का निर्जलीकरण कर देंगे तो उत्पाद, वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आई होप कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, एथिलीन। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है इनमें से। पढ़ा हुआ सब आपने ट्वेल्थ में, वही क्वेश्चन है। कर लिया, चारों में से वन ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हमारा पहला वाला ही सही है। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1X, ठीक है ना। ये हमारा एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एथिलीन ब्रोमाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद है। व्हेन जब एथिलीन ब्रोमाइड इज ट्रेडेड विथ जिंक वी गेट कौन प्राप्त होता है हमको, क्या उत्पाद प्राप्त होता है, एल्किन या फिर एल्कान या फिर अम्ल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराओ अभिक्रिया एथिलीन ब्रोमाइड की जिंक से, क्या प्राप्त होगा देखना। रिएक्शन तो पता होना चाहिए सारी आपको, रब कार्य में कर सकते हो, उसके बाद इजीली आप आंसर दे सकते हो गाइस। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका ही फायदा है, और आपका फ्यूचर ब्राइट है फिर, और आपकी लाइफ सेटल है फिर। तो आपने सही कर लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, एल्कलाइन, ठीक है। एल्कलाइन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब हम एथिलीन ब्रोमाइड की जिंक से भी क्रिया कराते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में फैटी अम्ल नहीं है, विच ऑफ द फ्लोमिंग इज नॉट ए फैटी एसिड। ये चार ऑप्शन है, फैटी एसिड नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन फैटी एसिड है, ठीक है ना। स्टेरिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल या फिर फैनिक एसिटिक अम्ल नहीं है। तो तीन तो इसमें फैटी एसिड है, वो कौन कौन है ये तो आपको पता होगा, तो इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा सामने। ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको फैटी अम्ल के बारे में पता भी है कि नहीं। तो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके इसका राइट ऑप्शन आप टिक कर पाओगे सही से। तो जिस चीज़ को पता होगा कि कौन कौन फैटी अम्ल है तो कर देगा इसको सही। तो कर दो, आप भी टिक लगा दो, लगा दिया होगा। सो सिंपल, इसका राइट चेक कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, फेनिल एसिटिक अम्ल। सो गाइज, आपको अब पता रखना है कि स्टेरिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल ये सब क्या है, फैटी एसिड है, जबकि ये नहीं है, ठीक है। ये तो है, तो हे वाला आपको याद रखना है, फेनिल एसिटिक अम्ल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने नॉलेज चेक की जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज, ताकि जैसे फॉर्म आ जाए आपके आपके नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, नर्सिंग में बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग, एमएस नर्सिंग के, ताकि आपको पता लग जाए, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। यौगिक हाइड्रोजन आबंध रखता है, विच कंपाउंड हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। यौगिक हाइड्रोजन आबंध रखता है टोलुइन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बता दो हाइड्रोजन आबंध कौन रखता है गाइज। आबंधों की नॉलेज होगी तो ईजिली आप इसको कर पाओगे। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि फिनॉल। फिनॉल हाइड्रोजन आबंध रखता है, बाकी ये नहीं रखते। नेक्स्ट,
सोलवे पत्ती का उपयोग उत्पादक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोलवे प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में किया जाता है, क्या अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, चाहे वो आपका गलती हो सही हो, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उनसे। अपनी रफ कॉपी में आप गिनती लग सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, इनके सामने आपका जो ऑप्शन रहता है ना वो आप लिख सकते हो। फिर कितने मैच होते, कितने गलत जाते, ये आपका टेस्ट हो जाता है, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाती है। कितना फ़ायदा है आपको, तो ऐसा किया करो। सेलेक्ट कर लिया आपने, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोलवे पत्ती का उपयोग सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, याद भी रखना है गाय जी आपको, ठीक है ना, 2 से 3 बार देख लेना वीडियो को, वैसे याद हो जाएगा आपको। जिंक की धातु क्रम विधि से निम्न अभिक्रिया को कहते हैं, ये रिएक्शन आपके सामने दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या इसको कैल्सिनेशन बोलेंगे, या फिर इसको मेल्टिंग जोड़ना, या फिर इसको पिघलिंग रोस्टिंग, या फिर इसको भुंजक, यानी कि भुंजक, तो इसका रोस्टिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन 4 रोस्टिंग करेक्ट ऑप्शन इस रिएक्शन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, K2NaCN4 में मध्यस्थ धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता होगी, सबको आती होगी निकालना, तो द प्राइमरी रिलेंस ऑफ द मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K2NaCN4, ये सब आपके 12th में पढ़ाया हुआ है, कोई बाहर से नहीं है, और बाहर से तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, 11th और 12th से पूछे जाएंगे, तो मौका है अभी तो 11th और 12th को अच्छे से करने का। और क्वेश्चन में बता रहा हूँ किस टाइप के आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा भी आती है तो इंग्लिश भी आती है, दोनों लैंग्वेज यूज होते हैं आपके एंट्रेंस पेपर में। तो गाइज बता दो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप रफ कॉपी लेके बैठा करो गाइज, आप में से बहुत सारे डायरेक्ट देख रहे होंगे, बट जो समझदार हो तो रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठा होगा, और ये क्वेश्चन देखने के बाद रफ कॉपी में सोल्व करके इन 4 में से टिक कर देगा और उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आपने भी कर लिया होगा रफ का आर्य, और वन ऑप्शन यहाँ से चूज कर लिया होगा, 4, 0, 2, 6 इनमें से, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 2, ठीक है ना, 2 आंसर आएगा इसका, निकाल के देख लेना, जिसका 2-2 आया बहुत बहुत धन्यवाद उनको। नेक्स्ट है आपका, कौन सा संकीर्ण समवर्गाकार संरचना है, विच कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, किसकी संरचना है ये वाली, संरचना तो पता होनी चाहिए गाइस, क्वेश्चन बनता है किसकी संरचना, टीशेप होती है, किसकी दीर्घवृत्ताकार होती है, किसकी चतुष्पल्ली होती है, आपके केमिस्ट्री में दिया हुआ है, और SRNA भी बनी हुई है, कमेंट आएंगे तो मैं बना दूंगा, डोंट वरी, उसके ऊपर वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आकार आकृति से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, NaCO4, ठीक है, NaCl42, NaCN4, CrCN6, तो आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो सिंपल, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, NaCN4 इसका 2- इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिंक 2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या आपको बतानी है, ठीक है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जिंक, 2, 3, 4, 0, सबका सही जाना चाहिए, जैसा क्वेश्चन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, सबको चेक करनी आती होगी वैसे अनपेयर्ड की, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 होते हैं गाइस, 0 होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 नहीं होते इसमें अनपेयर्ड। देखो कितना क्वेश्चन पूछा है आपकी मेंटल चेक करने के लिए, आपका माइंड चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्रबल अम्ल पर चिन्ह लगाइए,
मार्क द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड पर आपको टिक लगाना है, HF, HCl, SBR, HI, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है गाइज आपने टिक कर लिया होगा, इसका राइटोसन हो जाएगा 4, यानी कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन गाइज अक्सर पूछे जाते हैं तो आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और गाइज आपके लिए मैं जितना हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहा हूँ, GK MCQs MK चैनल वहाँ पर भी रोजाना आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, और जेक्रोन जॉब चैनल पर भी, तो आपको दोनों चैनलों पर बने रहना है। और साइंस MCAS पर फॉर्म आते में आपको पता है लेटेस्ट अपडेट होती रहती है, तो नो टेंशन, आपको फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है। फॉर्म की भी जानकारी दे रहा हूँ, साथ में तैयारी भी करा रहा हूँ। अक्रिय गैस की जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है वह है, अक्रिय गैस की जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है, द नोबल गैस विच फॉर्म मैक्सिमम नंबर एंड कंपाउंड, आर्गन, हीलियम, ज़िनोन, यहाँ पर सब कुछ दिया, नियोन, तो वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे अधिक यौगिक बनाती है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत सी बार पूछा गया है गाइस, लिख लो इसको, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्रिय गैस जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है, तो कौन बनाती है, सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि ज़िनोन। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, और नहीं लिखते हो तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करो। नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एल्कलाइन अर्धधातु की बाह्यतम कक्ष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, NS2, NS1, NP6, ND10। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, आपने चूज कर लिया होगा वैसे बेसिकली, क्योंकि इंटेलिजेंट जो हो आप, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1st, यानी कि NS2, एल्कलाइन अर्धातु की बाह्यतम कक्ष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl3 की जल के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा, PCl3 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, PCl3 की जल के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त उत्पाद होगा, PH3, H3PO3, HCl, POCl3, H3PO4, बताइए। रिएक्शन तो करानी आती होगी आपको, सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, यानी कि H3PO3HCl। ठीक है ना, यानी कि ये भी बनेगा H3PO3 और HCl, ठीक है ना, ये बनेगा। नेक्स्ट है आपका गाइज, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सबसे पहले वैज्ञानिक ने दी थी, कौन से ने दी थी, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिव फर्स्ट गिव बाय, आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत हो रहे हैं, तो इनमें से आपको 1 ऑप्शन पर टिक मार्क लगाना है, दी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, मॉसली, या फिर सॉमरफेल्ड। सबको पता होगा 11th केमिस्ट्री 1st चैप्टर, वहाँ पर ही इसकी चर्चा हो गई थी, याद करो, कर लिया होगा, टिक भी लगा दिया होगा, सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1st, यानी कि दी ब्रोगली, इसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्या प्रस्तुत की थी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोग्राम विलापक में विलेप की मोल संख्या क्या होगी, अगर आपको हिंदी में मिस्टेक लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर इंग्लिश भी दी हुई है, तो उनका सार आप ले सकते हो। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड इज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, या फिर मोलालिटी। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की मोल संख्या को क्या बोलेंगे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगा के पूछा है, बट आपको भी दिमाग लगाया होगा पढ़ते टाइम पे, 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन वाला चैप्टर, तो इजीली कर दोगे आप भी, सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस 4, मोललता, मोलालिटी। ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम में पूछा गया है ऊपर, तो ध्यान रखना, और इसी में यूज होता है ओनली ये वेट का। नेक्स्ट है, निम्न में से 1 विद्युत का सुचालक है, कितने अच्छे क्वेश्चन है गाइस,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन या फिर एमोरफस कार्बन? कौन है विद्युत का सुचालक? सिंपल, आपने चूज कर लिया होगा अगर कार्बन वाला चैप्टर पढ़ाओगे तो ग्रेफाइट है। ठीक है, हमारा हीरा भी नहीं है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन भी नहीं है और एमोरफस कार्बन नहीं है, तो राइट ऑप्शन सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन है गाइज, पढ़ते हो तो सब इजी रहता है, ठीक है ना। चाहे फिर आप आई की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, अगर फिर पढ़ोगे तो सब इजी हो जाएगा, उस लेवल का ही आपका माइंड हो जाता है फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया में केपी तथा केसी का मान समान होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, H+H2+I2H2 इसमें कंबाइन हो रहा है, और इधर आप देख सकते हो PCl5, PCl3+Cl2, NH3N+N2। सो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। सो इसको सोल्व आप रब कार में करके भी कर सकते हो कि किसमें केपी तथा केसी का मान समान होगा, तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाले में, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलता है क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यौगिक की एंथैल्पी समान होती है, यौगिक की एंथैल्पी समान होती है, दहन एंथैल्पी, सर्जन एंथैल्पी, मंदन एंथैल्पी, विलपन एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबुशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ डिल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। यौगिक की एंथैल्पी समान होती है किसमें होती है? वन पे आपको टिक मार लगाना है, लगा लिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू। किस किस का सही था ये तो आपको ही पता है, यानी कि ही सर्जन एंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ताकि इसका जब हमारा वीडियो ख़त्म हो जाए तब आपको पता लग सके कि कितने क्वेश्चन सही गए हमारे। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कलिल विलपन का शुद्धिकरण किया जाता है वह विधि है? ए कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड। हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश का ऊपर भी दिया हुआ होगा आपके पेपर में, उसका सारा ले लेना गाइस, ये तरीका है। कोलाइडेशन सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, पैप्टीकरण, स्कंदन या फिर डायलिसिस, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, चूज कर लिया, चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर, डायलिसिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध है, मिल्क इज क्या है गाइस? तेल में चर्बी, पानी में चर्बी, चर्बी में पानी, तेल में पानी। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने, बहुत बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन बनते हैं सॉल्यूशन वाले से, इलेक्ट्रोलाइट वाले से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि पानी में चर्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सो गाइज, ये हमारा जो एक कंप्लीट केमिस्ट्री, ये यहाँ तक हमने कर चुके हैं हम केमिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और आप और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहते हो तो जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर रोजाना आपको वन वीडियो मिलेगा रोजाना, ताकि आपके इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और बेटर हो सके। ठीक है, और इस पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और साइंस एमके से वहाँ तो फॉर्म की जानकारी मैं देता ही रहता हूँ, जैसे जैसे फॉर्म आते जाते मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे फॉर्म आते जाते मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ताकि आपको पता लगता रहे। ऑल इंडिया के बताता हूँ गाइस, ठीक है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और सबको बताया पूछ लेना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, तो कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और आपको GKMCQ हमारा जो चैनल है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज करना ले। ठीक है, और जो GKMCQ के चैनल है उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, GKMCQ MK लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो बोल देना गाइस, आपका अपना चैनल है। ओके, धन्यवाद।